नमस्कार साथियों, बायवर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार बीसीसी 2022 जिसके अंतर्गत आपके बीएससी नर्सिंग और एग्रीकल्चर दोनों आते हैं, साथ ही आप लोगों के जो पैरामेडिकल कोर्स है जैसे कि फार्मेसी उनका बैचलर कोर्स आते हैं, जैसे ओटी असिस्टेंट उनका भी बैचलर कोर्स आते हैं, इन सबों के काउंसलिंग में इतना लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले तो हम इन बातों को जानेंगे। दूसरा, जो सारे बच्चे जो कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर कितने सीट है और कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगी, तो चलिए पहले उनको क्लियर कर देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि काउंसलिंग इतना डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको प्रोस्पेक्टस दिख रही है बीसीसी 2022 की। ठीक है, आप लोग वेबसाइट पर आकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सीट दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि किन किन स्टूडेंट को कॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फार्मेसी में देखें तो दो कॉलेज जो है बी फार्मा, डी फार्मा की बात यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि डी फार्मा आप लोगों की जो डिप्लोमा लेवल पैरामेडिकल होती है, ठीक है, बिहार पैरामेडिकल के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, उनमें जो है आपके डिप्लोमा लेवल आते हैं, यहाँ पर बैचलर लेवल के, इसीलिए बी फार्मा। ठीक है, बैचलर इन फार्मेसी। यहाँ पर अगर हम दो कॉलेज इसमें है, MIT मुजफ्फरपुर जो अभी पूरी रूप से सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। ठीक है, अगर दूसरा का हम बात करें तो GPI गुलजारबाग पटना, दो कॉलेज है अभी, पहला में अभी पूरी तरह से नहीं सारा कुछ एक्टिवेट हुआ, तो इसीलिए 00 आपको दिख रहा होगा हर जगह, है ना। अगर बात करें हम GPI गुलजारबाग की, तो यहाँ पर टोटल 100 सीट है, जिसमें UR कैटेगरी से 40 सीटें हैं, प्लस में SC 16 सीट, ठीक है, ST को 1 सीट और EBC को 18 सीट और BC को 12 सीट। ठीक है, बाकी को आप देख सकते हो। तो अब बोलते हैं कि सर फार्मेसी मेरा होगा कि या नहीं होगा, तो जिनका UR रैंक फार्मेसी के लिए, बैचलर लेवल के फार्मेसी के लिए जिसका UR रैंक 50 से डाउन है, 50 से नीचे है, उनका आपका कंफर्म हो जाएगा। BC रैंक जिसका, ठीक है, BC रैंक जिनका 20 से नीचे है, ठीक है, अगर 20 की हम बात करें, सर ऐसा क्यों, बाकी चीज तो आप बोल रहे हो, और भी कोर्सेज है ना, उसमें भी स्टूडेंट जाएगा ना, केवल फार्मेसी नहीं लेगा ना, BC की हम बात करें, BC रैंक जिसका 20 है, 20 से 25 तक जिनका है, उनको फार्मेसी कंफर्म मिल जाएगी। ठीक है, हम जिनको कंफर्म मिलने वाली है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जिनका ज़्यादा रैंक है उनको मिलेगी या नहीं, उन पर हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप EBC में देख रहे हो, यहाँ पर 18 सीट आपको दिख रहा है, लेकिन EBC में 30 से 35 जिसका रैंक है, ठीक है, 30 से 35 तक जिनका रैंक है उनको फार्मेसी मिल जाएगी। ठीक है, फार्मेसी क्लियर हो गया। सारा सीट्स भी आप लोग याद करके रखिएगा, टोटल कितना सीट है, 100 सीट यहाँ पर हो गया। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं BSc नर्सिंग जिसके लिए आते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक कोर्सेस और भी होती हैं, कौन सी, फिजियोथेरेपिस्ट वाला, ठीक है, जिसकी डिमांड अभी बढ़ती जा रही है, इनकी टोटल 40 सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो कितना हो गया, 140 सीट हो गया। अब आते हैं हम लोग BSc नर्सिंग प्लस में जो और अदर कोर्सेज है, जैसे देख रहे हैं बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, MLT जिस BMLT जिसको बोलते हैं, बैचलर लेवल की लैब टेक्नीशियन होते हैं, इनमें आपके ब्लड और यूरिन रिलेटेड सारे टेस्टेज आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन, जिसमें अल्ट्रासाउंड आते हैं, प्लस में जो रे के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, ऑप्थेल्मिक ऑप्टोमेट्री सारे आते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने कोर्सेज हैं, 80 कोर्सेज हैं। ठीक है, 100 फार्मेसी, ठीक है, उसके बाद 40 फिजियोथेरेपिस्ट, प्लस में 80, याद रखिएगा सारे कोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग BSc नर्सिंग की, BSc नर्सिंग की टोटल कितनी सीट है, 300, ठीक है, 300 ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया, 400-500 टोटल सीटें हो गई आपकी, 520। ठीक है, तो अब हम टोटल की बात करते हैं, कि अभी हम लोग पैरामेडिकल की बात करें, फिर एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे, तो जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है वो भी ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा। एग्रीकल्चर बोले तो जो PCM से फॉर्म भरे हैं, ठीक है, और अभी जो हम बात करें ये PCB से फॉर्म जो लोग भरे हैं उनके बारे में बात करें, तो UR रैंक जिनका 500 है या 500 से 600 के बीच में है, ठीक है, इधर नहीं चल रही मार्कर, 600 के बीच में उनको कंफर्म कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें वही कि BC में, BC वाले के ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो BC में आपको
150 मुश्किल से जाएगा, ठीक है, 150 मुश्किल से जाएगा, 150 जिसका बीसी में है उनको कॉलेज मिल सकती है, ठीक है। अगर कंफर्म बात करें तो कंफर्म आप रख लीजिए केवल 100 जिसका बीसी रैंक है उसको कंफर्म कॉलेज मिलेगी। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आप 10-20 सीट बढ़ा दो, अर्थात 120 तक जिनका रैंक है उनको कंफर्म मिल जाएगी कॉलेज, ठीक है। एससी एसटी की भी आप देख सकते हो। बाकी अब सर बीएससी नर्सिंग की बात कीजिए ना, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बीसीसी के थ्रू बॉयज़ भी बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकता है, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बीएससी नर्सिंग की टोटल सीट कितनी हो गई बताओ आप लोग, 300 में यूआर रैंक कितना है देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। अगर हम मान ले कि ज़्यादा अगर मान ले तो कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। अर्थात जिसका यूआर रैंक 300 है, क्योंकि फार्मेसी में भी बहुत बच्चा भाग जाएगा, तो 300 जिनका यूआर रैंक है उनको क्या होगा, आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल जाएगी, ठीक है। वही आप ईबीसी से देख सकते हो, बीसी कास्ट से देख सकते हो, सारे कास्ट से आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो कि किन किन को बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एग्रीकल्चर वाले का, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले का देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में देखो ये रहा सारा कॉलेज आपका, टोटल अगर हम सीट की बात करें यहाँ पर देखो सीट कितनी है, लगभग 400 सीटें हैं, ठीक है। कितना सीट है, लगभग 400 सीटें हैं, जिसमें आपके सारे कोर्सेज यहाँ पर दिख रहा है आपको, पीसीएमबी जिसका है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी है उनके लिए एग्रीकल्चर कोर्स भी मिल जाएगी, या जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है उनके लिए ये कोर्सेज होता है, जिसमें अनारक्षित सीट जो होता है जिसको यूआर सीट बोलते हैं। अगर इसकी हम लोग देखें तो यूआर से आपको कितना सीट के लिए रिजर्वेशन रहेगा, 300 यूआर रैंक के लिए रिजर्वेशन रहेगा। साथ ही आप 16% ये 400 का जितना भी परसेंटेज दिया गया है, इन 400 का आप परसेंटेज करके उसमें 10 प्लस कर देना, ठीक है, 10 प्लस कर देना, आपके कास्ट का पता चल जाएगा कि आपके कास्ट का कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। और भी क्योंकि इसमें कुछ और भी कॉलेज हैं, जैसे कि आपके मत्स वाले कॉलेज हो गए, ठीक है, तो वो सारे कॉलेज भी इसमें एडेड है। तो 80 सीट, 480 यानी कि 500 टोटल सीट रख दो आप इधर, ठीक है। तो 500 सीट को आप जो है जितनी भी जिस कास्ट में आरक्षण दिया है उसके प्रति डिवाइड करके फिर आप सारे चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे यूआर रैंक निकलना है तो 40% इसका देख लेंगे कितना सीट होता है, उसमें प्लस 10 कर देंगे, वो हो गया आपका यूआर से कि यूआर रैंक कितना है तो हुआ। अब चलते हैं काउंसलिंग पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेड लाइन में एक चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा कि पॉलिटेक्निक जो होता है, बैचलर लेवल का जो पॉलिटेक्निक होता है जिसके थ्रू बीटेक वगैरह कोर्सेज होती है, उनका अभी अलॉटमेंट लेटर चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, अलॉटमेंट लेटर चल रही है। जैसे ही फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लेटर क्लियर हो जाता है उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है और क्लियर होता है, क्योंकि जो आपके पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा लेवल के बाद जो बैचलर लेवल होती है इसमें सीट अच्छी खासी सीट है, मतलब बहुत ज़्यादा सीट है, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट का काउंसलिंग भी होगा। और वेबसाइट को क्रैश होने से बचने के लिए या काउंसलिंग में गैदरिंग ना हो जाए इससे बचने के लिए सबको सेपरेट रखा गया है, ठीक है। इसी वजह से जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एंड होती है आपको जो है आपके चॉइस फिलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको यही, ठीक है, दुर्गा पूजा के पहले ही चॉइस फिलिंग आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही चॉइस फिलिंग आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और आप लोगों की काउंसलिंग मैं खुद करूंगा, जो मिनिमम फी होगी उन्हीं में कर दूंगा। साथ ही 2023 के लिए जो हमारा पहला बैच आ रहा वो आ रहा आपको 15 अक्टूबर से, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी केवल 600 रुपया में। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस डेली लाइव क्लास, और लाइव क्लास की जो है आपको क्लास में नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही लाइव क्लास के बाद आप उस क्लास को कितनों बार रिवीजन करिएगा उसके लिए जो लाइव क्लास है वही आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रत्येक रविवार टेस्ट यानी कि वीकली टेस्ट की भी व्यवस्था रखी गई है। ये सारी व्यवस्था होगी आपके कोर्स के लिए। जो भी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। साथ ही इस टॉपिक से संबंधित और भी आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट में आप पूछ सकते हैं, जिनका मैं रिप्लाई
तुरंत कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।